Hi everyone, assalamu alaikum, good morning, welcome back with another vlog. Before the video started, let's subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for latest update. अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 9 बजे का टाइम है। आज हम जाएंगे काऊ मंडी। सबको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है, तो उसके लिए जानवर देखने जाना था। अवैस आ रहा है मेरे पास, थोड़ी देर में मेरे पास पहुंचने ही वाला है। अवैस मेरे साथ होगा और हम दोनों मिलकर जो है ना वो काऊ मंडी जाएंगे, उधर से देखेंगे बैल लेकर आते हैं या बकरा लेकर आते हैं। मौसम जो है वो भी इस वक्त जो है ना वो बादल बादल से हुए हैं, तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं क्या सीन चलता है। 15 मिनट्स लेटर। ओ भाई जान, ये चेक करे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। A few moments later. So guys, आपने कभी जो है ना वो मेहनत के ऊपर पानी फिरते हुए नहीं दिखा होगा। आज आपको लाइव मेहनत के ऊपर पानी फिरते हुए दिखा रहे हैं। अचानक से पता ही नहीं चला कि किस वक्त जो है ना वो बारिश आ गई है। ऐसी दसी कितना फील हो रहा है। तो भाई जान, सीन कुछ यूं क्रिएट हो गया था, अचानक से जो है ना वो बारिश आ गई थी। अभी अभी बारिश जो है ना वो रुकी है, तो दोबारा से मैंने जो है ना वो व्लॉग स्टार्ट किया। इधर माशाल्लाह चेक करें, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है ना वो मंडी में जानवर नजर आ रहे हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि जिसके साथ भी जो है ना वो मुनासिब रेट बन गया। ये भाई जो है ना वो जंग सिटी से आए हैं। भाई जान, ये जानवर आपके हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे नहीं है। तुम्हारे हिसाब से अंदाजन कितने के होंगे? मुझे लगता है ये चारों इन्होंने इकट्ठे ही बेचने हैं। केला केला नहीं, हमारी इस्तेताद के बाहर है, हम आगे चलते हैं। 12 seconds later. जगह भी नहीं है भाई, कम बारिश 3 से 4 मरतबा हो चुकी है। मतलब कि जब रुकती थी, हम वो सामने चेक करे, वो खेमा लगा हुआ है, खेमे में जाके रुक जाते हैं, बारिश आती है। बारिश जब बाहर आते हैं, बारिश फिर से आ जाती है। भाई हमें कुछ ना समझ नहीं लग रही, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्यास भाई, हाँ भाई, आया कोई पसंद के नहीं? इधर भी ये चक्कर बकरे में। तो तुम्हारा क्या ज़हन है, बकरा खरीदने का या बड़ा खरीदने का, तुम क्या कहते? मैं तो कहता हूँ भाई, ऊंट खरीदते हैं। क्या ऊंट खरीदते हैं? शाबाश बेटा। मतलब कि कुछ भी नहीं खरीदना चाहते? ऊंट खरीदना चाहता हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है। और यार ऊंट नहीं, जट दे टिब्बियां दे विच डेढ़ ਲੇ ਫਿਰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਘੇੜੇ ਹੋ ਖਾਕੀ ਮਾਰ ਪਕਾ ਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਡੀ ਮੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ। ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਹੋ। ਕਸਟਮਰ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਕਸਟਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਅਭੀ 13 ਸੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਭੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਘਟ ਆਏ ਮੈਂ ਮਨੂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਮੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਲੋਕ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਾਈਟੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆਪਸ। मंडी में घूमते हुए हमें जो है ना वो 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अभी तक जो है ना वो कोई जानवर डिसाइड नहीं हो रहा। घर वालों से डिसाइड करेंगे जाके कि वो क्या कहते हैं, छोटा जानवर ले या बड़ा ले। सो ये माशाल्लाह जानवर बड़ा खूबसूरत है। तो ये अंकल भी खड़े हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है अंकल? ठीक है अंकल? माशाल्लाह जानवर आपका बड़ा खूबसूरत है। तो क्या प्राइस है अंकल इसकी? 15 लाख मांग रहे हैं। तो ये 15 लाख में आपने फाइनल देना है या फिर कोई कमी पेशी हो जाएगी? खर्चे लंब निकली पी अज भारे नहीं है काम। वो तो है, मौसम भी नहीं साथ देने, हरे तो बैठे इतने करके। हाँ जी, अल्लाह से आकर करूंगा, पर जानवर जैसा होना पैसे मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। अभी हमने डिसाइड करना है घर जाके कि मतलब के बड़ा जानवर ले या छोटा ले। तो हाँ जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। 15 लाख रुपए मांग रहे हैं इसका। जानवर के हिसाब से ठीक भी है, लेकिन भाई जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, 15 लाख भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने भी वो जारी बात है, अपने खर्चे वगैरह निकालने हैं। मौसम भी नहीं कह रहे साथ दे रहा, वैसे भी खर्चे बहुत हो चुके हैं। सो ये था आज का हमारा व्लॉग के भाई हम काऊ मंडी में आए थे, एंजॉय भी किया हमने। लेकिन यार जो है ना वो अभी एंड ऑफ द वीडियो में यही बात करूंगा कि जो है ना वो रेट जो है मंडी के बहुत ज्यादा है। मंडी वालों को जो कहना है वो ये है कि भाई जानवरों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत होती है, रेट शेट जो है ना वो इसलिए बड़े हुए हैं। तो एज अ कस्टमर मैं ये बात करूं, मुझे जो है ना वो प्राइस ज्यादा लग रही थी। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होके सोचूं तो यार उनका भी ठीक है, मतलब कि कहना कि यार वैसे भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो कह रहा है कि चारा जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, दूसरे भी खर्चे निकालने होते हैं। तो अभी जो है ना वो हम घर जाके डिसाइड करेंगे कि भाई जो है ना वो बैल खरीदेंगे या बकरा खरीदेंगे। तो
तो रेट शेट चेक करने के बाद जो है ना वो मेरा तो ये अंदाजा कह रहा है कि भाई बकरा ही खरीद लिया जाए, वही तकरीबन जो है ना वो अफोर्डेबल है। बैल जो है ना वो तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं। सो गाइज ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।